हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। और आज मैं लेकर आया हूँ यार आप लोगों के लिए एक स्पेशल साइकिल जो शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। देखना चाहते हो कौन सी वो बाइक है? ये एक ऐसी बाइक है जिसको चलाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी बाइक है। गाइज़, ये है वो पूरी बाइक। आप देख ही सकते हो यार, इसका बॉक्स देखो कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो देखो इतनी सारी साइकिल्स में इसको पूरा कवर कर लिया है। तो ये है हमारी एक न्यू बाइक जिसको हम करने वाले हैं आज राइड और रिव्यू। तो फटाफट इसको पूरा अनबॉक्स करते हैं और मैं इसके सारे कंपोनेंट्स और इसके असेंबलिंग का एक बार आपको टूर देता हूँ। सो गाइज़, अब मैं और सूर्या रेडी हैं। जी हाँ, सूर्या मेरे साथ राइड करेगा इस बाइक में। बाइक हमारी पीछे खड़ी है, आप देख सकते हो। बाइक पूरी तरीके से तैयार है और मैं और सूर्या अब जा रहे हैं इस बाइक में मस्ती करने। चलो। पॉलीगन इम्प्रेशन AX टैंडम एक ड्यूल सीटर कम्यूटर बाईसाइकिल है जिसको आप अपने पार्टनर, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ राइड कर सकते हो टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। इस बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने पार्टनर और फ्रेंड्स के साथ इसमें इजीली कम्यूट कर सकते हैं और राइड कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत इजीली कर सकते हैं। इस बाइक में आपको मिलता है 620 mm एलॉय राइजर हैंडल बार जिसकी ओवरऑल लेंथ एक कम्यूटर बाईसाइकिल के लिए परफेक्ट है टू कीप योर हैंड्स एंड शोल्डर इन रिलैक्स्ड पोजीशन। ओवरऑल हैंडलिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो काफ़ी रेस्पॉन्सिव और रिलैक्सिंग पोजीशन इस हैंडल बार में मिलता है। गियरिंग के लिए इस बाइक में आपको शिमानो टर्नी के 3x8 इंटीग्रेटेड गियर एंड ब्रेक शिफ्टर्स मिलते हैं जिसको पेयर किया गया है शिमानो एल्टस के 8-स्पीड रियर डिरेलर एंड 8-स्पीड कैसेट के साथ। और फ्रंट में आपको मिलता है शिमानो टर्नी का 3-स्पीड डिरेलर विद 3-स्पीड प्रो व्हील क्रैंकसेट। ड्यूरिंग द टेस्ट राइड द गियर शिफ्टेड वेल। एल्टस की गियर शिफ्टिंग क्वालिटी वैसे ही काफ़ी स्मूथ होती है जिसकी वजह से ओवरऑल गियर एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और प्रिसाइज रहा। फ्रंट के गियरिंग की बात करें तो शिमानो टर्नी फ्रंट डिरेलर जो कि एक एंट्री लेवल डिरेलर होने के बाद भी काफ़ी अच्छे तरह से गियर को शिफ्ट कर रहे थे। बाइक का स्टेम एंटिटी ब्रांड का है और एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है। इस बाइक में आपको मिलता है हाइटन स्टील का बना हुआ रिजिड फोक विद स्मूथ वेल्ड्स एंड फिनिश। ड्यूरिंग द राइड रिजिड फोग होने के बाद भी ओवरऑल वाइब्रेशंस काफ़ी कम थे रोड में इस बाइक को राइड करते हुए और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सस्पेंशन फोक लगा हुआ है। बाइक में आपको V-Tire Corporation के XCV MPC कंपाउंड के 27.5x2.10 के टायर्स मिलते हैं विद डबल वॉल्ड एलॉय रिम्स विच आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइटवेट टू सपोर्ट 2 राइडर्स। अब बात करते हैं इस बाइक के मेन बॉडी मीन्स इसके फ्रेम की। AL6 Tandem OLD का फ्रेम इस बाइक में आपको मिलता है जो पूरा एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है। ओवरऑल फ्रेम डिज़ाइन काफ़ी लो प्रोफाइल रखी गई है ताकि हर तरह का राइडर इजीली इस बाइक को राइड कर पाए। फ्रेम के वेल्डिंग स्मूथ और इवन है जिसके वजह से बाइक का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टाइम के लिए यूजेबल रहता है। फ्रेम की ओवरऑल डिज़ाइन के वजह से ये बाइक 2 राइडर्स का वेट काफ़ी इजीली उठा लेती है और बाइक राइड करते हुए एक एक्स्ट्रा राइडर का वेट फील ही नहीं होता है। रियर सस्पेंशन ना होने के बाद भी ओवरऑल बाइक काफ़ी स्मूथ राइड प्रोवाइड करती है विच इज़ ड्यू टू इट्स लॉन्ग एल्यूमिनियम फ्रेम जिसके वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है और वाइब्रेशंस बहुत ही ईजीली ये फ्रेम अब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग के लिए आपको इस बाइक में मिलता है टेक्ट्रो एरीज मैकेनिकल डिस्क ब्रेक सेट विद 160 mm ब्रेक रोटर्स। इस बाइक का टोटल वेट है 19 किलोग्राम्स। बाइक की MRP 44,000 रुपीज़ रखी गई है बट ऑन स्टोर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक टैंडम बाइक अपने फ्रेंड्स के साथ राइड की थी। दोनों पेडल्स साथ में वर्क करने की वजह से एफर्ट पूरा 50% कम हो जाता है और दोनों राइडर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे पावर को, जिसके वजह से आपकी राइडिंग काफ़ी ज़्यादा इजी रहती है और आपकी पेडलिंग भी बहुत ज़्यादा इजी रहती है। फिर चाहे वो नॉर्मल रोड हो या फिर क्लाइंब हो, बहुत इजीली आप इसको कर लेते हो बिकॉज पूरा एफर्ट आपके दोनों में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे आपके दोनों का पावर यूज़ होता है और आपकी बाइक बहुत इजीली और स्मूथली राइड करती है। फ्रंट राइडर के पास पूरा कंट्रोल होने के वजह से रियर राइडर को कई बार थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बिकॉज रियर हैंडल बार पूरे तरीके से अपने जगह पर लॉक्ड रहता है, तो आपको अपने फ्रंट राइडर के हैंडलिंग पर पूरा भरोसा करना होता है। अब बात करते हैं गाइस कि किन लोगों के लिए ये बाइक परफेक्ट है। टैंडम बाइक को जब डिज़ाइन और लॉन्च किया गया था तो इसका मोटिव यही था कि उन सभी लोगों को जो एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, उनको एक ऐसा मीडियम मिले जिससे वो कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर सके। तो ये बाइक उन सभी कपल्स के लिए बेस्ट है जो साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या एक साथ राइड और एक्सरसाइज करना चाहते हैं अपने बिजी शेड्यूल में। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो बाइसाइकिल राइड नहीं कर पाता है बट चाहता है कि वो भी बाइसाइकिलिंग को एंजॉय करे, तो वो भी इस बाइक में आपके साथ राइड कर सकता है। आपके साथ वो बाइक में रियर वाली सीट में बैठ के वो पेडलिंग कर सकता है, जिससे उसको साइकिलिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड्स आपके साथ राइड करे, तो वो भी इस बाइक में आपके साथ कम्यूट कर सकता है। एक ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग राइड के लिए ये बाइक आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए एक टैंडम बाइक यूज़ करते हैं। एंड अनदर थिंग विच इज़ गारंटीड कि आप जहाँ भी इस बाइक को लेके जाएंगे, इस बाइक को देखने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहेगी। सो गाइज डू लेट मी नो यार कैसा लगा ये वीडियो। मेरे को और सूर्या को तो यार बहुत मज़ा आया इसको राइड करके। सीरियसली हम जब इसको राइड कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार हम लोग कुछ चला भी रहे। एफर्ट इतना ज़ीरो था इस बाइक को लेके। सो मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो को लेकर। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।